Subscribe and press the bell icon for latest update. सेलिंग के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन में आज आम आदमी के विधायक सौरभ भारद्वाज व्यापारियों का साथ देने पहुंचे। पूरी दिल्ली में व्यापारी संगठनों ने सेलिंग के विरोध में अपनी दुकानें बंद रखी और आज एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सुनिए क्या कहा आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने। आज दिल्ली के अंदर लगभग सभी मार्केट्स बंद हैं। मैं खुद साउथ दिल्ली की कई मार्केट्स के अंदर गया था तो मैंने देखा साउथ एक्स, ग्रेटर क्लाश 1, 2, कैलाश कॉलोनी इत्यादि सभी मार्केट्स बंद हैं। इवन थोक की जो मार्केट्स हैं वो भी बंद बताई जा रही हैं। ट्रेडर्स की मुख्य मांग ये है कि दो कारण हैं जिस वजह से सीलिंग हो रही है। एक कारण ये है कि कन्वर्जन चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा है, व्यापारी कन्वर्जन चार्ज नहीं दे पा रहा, इस कारण सीलिंग हो रही है। दूसरा कारण ये है कि मास्टर प्लान के हिसाब से FAR कम है और बहुत सारे व्यापारियों की दुकानें इसलिए बंद हो रही है क्योंकि वो मास्टर प्लान के अधीन नहीं आ रही। इन दोनों ही चीज़ों को बंद किया जा सकता है और इसका सलूशन जो है वो केंद्र सरकार के पास है। कन्वर्जन चार्ज अगर माफ कर दिए जाए तो कन्वर्जन चार्ज की वजह से जो सीलिंग हो रही है वो तुरंत बंद हो जाएगी और अगर दिल्ली के मास्टर प्लान के अंदर केंद्र सरकार एक ऑर्डिनेंस लाके बदलाव कर दे तो जो मास्टर प्लान या FAR की वजह से दिक्कतें आ रही हैं वो सीलिंग भी बंद हो जाएगी। बार बार ये भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है कि इस सीलिंग को रोकने का कोई तरीका नहीं है। बार बार बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऊपर डाला जा रहा है। इस ताले की चाबी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है और MCD के पास है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट करके खुद कहा है कि इस मामले के अंदर अगर मास्टर प्लान में कोई संशोधन करना है, कोई ऑर्डिनेंस लाना है तो दिल्ली सरकार हर तरीके से अपने राजनीतिक विरोधी होने के बावजूद भाजपा शासित केंद्र सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है। आप हमें बताएं कहां और कैसे दिल्ली सरकार मदद कर सकती है। धन्यवाद। तो सुना आपने कि कैसे सौरभ भारद्वाज ने व्यापारियों की समस्या बताई और उन्होंने बताया कि कैसे इसका हल BJP के पास है। तो अब देखना यह है कि आखिर दिल्ली के व्यापारियों की समस्याएं कब तक हल होती हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।